कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस जनों ने पार्टी के संविधानों का स्मरण किया। यह कार्यक्रम गणेश मांगलिक भवन में संपन्न हुआ। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर विचार रखे और कांग्रेस के किए गए सराहनीय कार्य को याद किया। पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, विश्वनाथ दांगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र यादव ने नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यावरा से मोहन वर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र यादव जी, हमारे बड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष पंजाब जी, हमारे डॉक्टर विश्वराज जी, जिन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की, उसका उद्देश्य और मकसद जनसेवा, गरीबों का उद्धार और सर्वधर्म समभाव मानसिकता को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। हमें जो आज से 136 वर्ष पूर्व जिन महान पुरुषों ने अठारह सौ पिचासी में जो स्थापना की गई थी, वो हमारे देश के लोगों का भला कैसे हो, हमारे देश का विकास कैसे हो, उसी को ध्यान में रखकर की गई थी। आज सामंतवादी पार्टियां जिस तरीके से सिर्फ जाति विशेष के नाम पर, धर्म के नाम पर और हमारे देश को बांटने का काम कर रही है, राजनीति कर रही है, इससे ऊपर उठकर हम सबको ऐसी जो सामंतशाही ताकतें हमारे देश में जो उभर कर आ रही है, हमें इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निचले तबके तक, निचले गरीब बस्ती तक पहुंचकर हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, हमारे कांग्रेस के महापुरुषों ने जिन्होंने हमारे देश को भी आजादी दिलाई, इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, हमारे शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, आज हमारे देश के किसान दिल्ली में एक महीने से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको मिलकर कांग्रेस पार्टी के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमें कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत है, इस पर जोर देने की आवश्यकता है। और ब्यावरा में निश्चित ही कांग्रेस बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है। शायद अभी नगर पालिका, ग्राम पंचायतों के चुनाव 3 महीने चल चुके हैं, तो 3 महीने कांग्रेस सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, गरीब लोगों को फायदा मिलेगा और जो कांग्रेस का उद्देश्य जिस उद्देश्य से स्थापना हुई थी, उस स्थापना की पूर्ति जिस प्रकार से हम यहाँ आए स्थापना दिवस मनाने, इसका हमारा मेन मूल उद्देश्य यही है कि गरीब लोगों का भला हो, सर्वधर्म समभाव की हमारी विचारधारा हो और हमारे देश के और जाति विशेष पर कोई हमारे देश में बंटवारा ना हो, वेमनस्ता ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए हम कांग्रेस पार्टी के उद्देश्यों को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़े तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। आप सब यह पदाकर समय दिया। जय हिंद, जय भारत, जय राम। राष्ट्रीय कांग्रेस के 126वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बहुत ही कम समय में और एक मैसेज के जरिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, मैं इस अवसर पर एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। अभी जो किसान बिल चल रहा है, उसमें अंग्रेजों का सोचना था पहले कि आंदोलन से क्या होता है, वो आंदोलन को बहुत अलगे में ले लिए, लेकिन वो आंदोलन का ही कारण है कि आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया और हमें देश को आजादी दिलवाई।
इसी तरह किसान आंदोलन है, इसका पूर्व मिलकर सब विरोध करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। इसी के साथ में एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।